लिवरपूल ने टोटनहैम को 2-0 से हराकर 2019 चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। मैच में लिवरपूल की तरफ से पहले ही मिनट में अटैक देखने के लिए मिला। पहले ही मिनट में लिवरपूल को हैंडबॉल के चलते पेनल्टी मिली। इस पेनल्टी को लेने आए लिवरपूल के सबसे भरोसेमंद प्लेयर मोहम्मद सलाह। सलाह ने शानदार शॉट लगाते हुए पेनल्टी को गोल में तब्दील कर दिया। दूसरे ही मिनट में गोल मिलने के साथ लिवरपूल ने 1-0 से शुरुआत में ही बढ़त बना ली। गोल मारने के बाद मोहम्मद सलाह ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। इसके बाद मैच के पहले हाफ में कोई गोल देखने के लिए नहीं मिला और पहला हाफ 1-0 के साथ खत्म हुआ। दूसरे हाफ की शुरुआत में टोटनहैम ने कुछ अच्छे अटैक्स किए, लेकिन वो एक भी गोल नहीं कर पाई। मैच के 87 मिनट में लिवरपूल के ओरिगी ने शानदार शॉट लगाते हुए मैच का दूसरा गोल लगाया और लिवरपूल की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल देखने के लिए नहीं मिला और लिवरपूल ने टोटनहैम को 2-0 से चैंपियंस ट्रॉफी के 2019 फाइनल में हरा दिया। लिवरपूल ने 14 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया और छठी बार चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम बनी। स्पोर्ट्स की ऐसी ही हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।